नमस्कार, यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। ये खबर है बदलापुर तहसील क्षेत्र की। बदलापुर क्षेत्र के थाना सिगरा मऊ के अंतर्गत लालगंज बाजार में हनुमान मंदिर के पास 21 अक्टूबर को करीब दोपहर 3 बजे के आसपास आधा दर्जन मोटरसाइकिल पर सवार नकाबपोश बदमाश असलहा से लैस होकर रामपति मौर्य के घर पर धावा बोलकर उनके पूरे परिवार को मारने पीटने लगे। मारपीट का विरोध करने पर पड़ोसी जैसराज मौर्य को बदमाशों ने गोली मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। पड़ोसी को घायल करने के बाद बदमाश ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए भाग निकले। आनन फानन में लोग उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बदलापुर ले गए, जहां पर चिकित्सकों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हमले में कुल 2 महिला समेत 4 लोग घायल हुए, जिसमें 2 लोग परिवार के ही थे और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों में परिवार की संगीता, आशा, सुषमा तथा राजेश मौर्य को बदमाशों ने लाठी डंडे से मार पीट कर बुरी तरीके से जख्मी करते हुए भाग निकले। घटना की सूचना मिलते ही बदलापुर के क्षेत्राधिकारी चौब सिंह तथा चारों थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटे हुए हैं। घटनास्थल पर पुलिस फोर्स की तैनाती है। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। ये खास रिपोर्ट थी कैमरामैन कृष्णा के साथ जिला संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की। हमारे गांव से थोड़ा बगल दयालापुर, हमारे गांव के खानपुर के तेवरान लोग हैं। वो लोग सर आके, मैं घर पे गोरु कोर पानी कर रहा था, आवाज़ सुना, मैं घर से बाहर जैसे निकला मेरे पैर में गोली लग गई। तो गोली मारने वाले कौन है, कुछ पता है? दयालापुर के हैं, तेवरान के हैं हमारे। स्कूटी बाहर थी तो वो मतलब मारने लगा और हम लोग दुकान से निकले, देखे, फिर दौड़ के आए उसको बचा, बीच बचाव करने के लिए वो हमारे सर पे कट्टा सटा दिए, कह रहे हैं कि गोली मार देंगे और गाली देने लगे और इससे मतलब साड़ी वाड़ी खींच दिए और यहाँ पे मारे, यहाँ पे और सर यहाँ पैर में। कितने लोगों को चोट लगी है? जी, हमारी जिठानी को लगी है और हमारे गांव के एक लोग हैं उनको लगी है, हमारे देवर को लगी है और जिठानी बच्चे को लगी है। क्या गोली भी लगी है सर वो हमारे गाँव। मेरा नाम है बिलेश मौर्य। जैसे कि इस बात के लिए हुई थी, 10 दिन पहले हमारे यहाँ 2 गांवों के बीच एक ब्राह्मण और मौर्य बस्ती के बीच में मार हुआ था। उस मार में FIR भी दर्ज हुई। FIR दर्ज होने के बाद थाने प्रशासन से मैटर सुलह किया गया। उस सुलहनामे के लिए मैटर सुलह 2-3 दिन बाद आज फिर हमारे दादी जी एक्सपायर हो गई थी, उस एक्सपायर को हम दादी का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद घर पे आए, मतलब कुछ थोड़ा बहुत इधर काम, फिर मार्केट में थोड़ा नाश्ता पानी करने के लिए हमारे चाचा और हमारे बड़े भाई सुमित जी बाहर निकले और कुछ दबंग लोग हथियार, धारदार हथियार लेकर आए और असलहा के साथ आए, जो कि और टेढ़ा थोड़ा कम से कम 5-6 गाड़ी से लेकर आए थे। वो अब मेरे चाचा को पैर में, दाहिनी पैर में मार दिए हैं, गोली लगी हुई है। भाई को मार दिए, यहाँ टिंगारी से लगा हुआ है, वो बहुत बड़ा घाव हो चुका है। और हमारे एक बड़े चाचा जी हैं, उनको भी चोट लगी है, उनको टेढ़ाता से मारे हैं, वो घर पे ही हैं। और हमारी चाची आई हैं जिनके यहाँ हाथ में लगा हुआ है चोट, और हमारी बड़ी चाची हैं, हमारे 3-4 चाची हैं, उन सबको मारे। घर में घुस के मान, दुकान में भी हर चाची के सर पे पिस्टल सटा कर बोल रहे थे कि मतलब हट जाओ नहीं तो मार देंगे गोली। चाची ने बोले कि मार तो गोली चलेगा पर घर में नहीं जाने दूंगी। उसको चाची को फिर मारा, उसके बाद यही मैटर हुआ। बाकी चाचा को गोली लगी, हम लोग थाने पे आए। थाने पे आने के बाद सरकारी अस्पताल सिगरामऊ में आया, वहाँ से रेफर किया गया। मैं बदलापुर में भी इस वक्त हूँ। ग्राम खानपुर बदलापुर में लगभग समय 15:30 बजे
राजेश मौर्या और सभाजीत मौर्या अपने घर के सामने बैठे थे कि आहोपुर की तरफ से 3 मोटरसाइकिल सवार, जिस पर 9 लोग सवार थे, अचानक मारपीट शुरू कर दी। उनके बचाव में जयसराज मौर्या और सुमित मौर्या ने बचाव किया। उनके जयसराज मौर्या के टांग में गोली मार दी गई तथा सुमित मौर्या के सर पर वार किया गया तथा 4 लोगों को और हल्की चोटें आई हैं। सभी को वास्तविक उपचार CSC रवाना कर दिया गया है। सभी खतरे से बाहर हैं। तहरीर प्राप्त होने के बाद मुकदमा पंजीकृत विधिक कार्रवाई की जाएगी।